नहीं, कुछ आता नहीं, ऐसा मैं घर से बेघर कर दिया रोड पर। जहां एक तरफ पर्दे लगाकर बस्तियां छुपाई जा रही हैं, तो पीएम मोदी की फोटो लगाकर प्रचार भी किया जा रहा है कि देखिए मैं इस तरीका से मैं दिल्ली को देखने के लायक बनाया हूं। मगर ये दिखने के लायक भी क्या बनाए जो गरीबों का आसियाना छीन के बना रहे हो। ये जो अपमान का दौर, ये जो विस्थापन का दौर देश के मेहनत कशों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए चला है, ये दौर हम नहीं सहेंगे। पिछले एक साल में लगभग 60 शहरों में G20 का जो मीटिंग्स हैं वो संपादित हुए हैं, और इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो नजारा है वो देखने लायक है। इस समय दिल्ली के अलग अलग सड़कों में पुलिस से लेके अलग अलग पैरामिलिट्री ये सड़क पे उतार दिए गए हैं। दिल्ली शहर में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको ढक दिए गए हैं। दिल्ली शहर में जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको विस्थापित कर दिए गए हैं, सड़कें खाली हो चुकी हैं। अगर कोई झुग्गी है तो उसको बड़े बड़े बैनर से, चाहे वो कपड़े का बैनर हो चाहे वो आयरन स्टील हो, उसके माध्यम से इन झुग्गियों को ढका गया। रेहड़ी पटरी वालों को बोल दिया गया था कि तुमको सड़क खाली करना पड़ेगा, तुम्हारा कोई जगह नहीं है इन शहरों में, तुमको छुप जाना होगा। इन शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स टांगे गए और बोला गया कि भीख मांगना मना है, और अगर G20 प्लेटफॉर्म में हिंदुस्तान को, भारत को कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है तो इसी दृष्टिकोण से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के नेता निभा पाएंगे कि हम एक तृतीय विश्व के देश हैं, और हमारे देश के आवाम का जो सच्चाई है उस सच्चाई के बारे में G20 प्लेटफॉर्म में बात होना होगा। बात होना होगा जो आर्थिक नीतियां इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दबाव में हिंदुस्तान जैसे तमाम सारे तृतीय विश्व के देशों में थोपा गया है, उन आर्थिक नीतियों का नतीजा क्या है, और उस नतीजा का जो झलकियां हैं वो झलकियां हमारे शहरों में दिखती हैं, जिन शहरों को इस समय बहुत जो है शिद्दत से सजाया गया है, जिन शहरों में बहुत शिद्दत से गरीबों को ढका गया है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दिल्ली शहर में G20 के सजावट के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए 4,100 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, और ये 4,100 करोड़ रुपए में से ज्यादातर जो हिस्सा है वो न्यू दिल्ली एरिया, या जिसको कहा जाता है लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली मतलब दिल्ली शहर का एलीट तबका जिस हिस्से में रहता है उस हिस्से में ही ये 4,100 करोड़ रुपए में से ज्यादातर हिस्सा उन शहर के उस हिस्से में खर्च किया गया है। प्रगति मैदान के पास जो IOEE है, इंटरनेशनल ट्रेड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको एक तरीके से सजाने के लिए, वो शानो शौकत दिखाने के लिए 2,100 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के प्रगति मैदान में खर्च हुआ है। भारत मंडपम नाम का जो एक बहुत बड़ा मंडप बनाया गया, जिनको मीडिया के माध्यम से हमारे सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा झलकी हिंदुस्तान के जनता को दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा आने वाले दिनों के लिए, जनता का सुविधा करने के लिए ये तमाम सारा खर्च ये हो रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इन 60 शहरों में जहां पे भी G20 का मीटिंग हुआ, उन शहरों के आम गरीब आबादी के लिए, मेहनतकश जनता के लिए ये अपमान और विस्थापन का साल रहा। इन 60 शहरों में झुग्गियों को ढका गया, जो झुग्गी विस्थापित नहीं हो पाए, उन झुग्गी वासियों का अपमान करते हुए उनको ढका गया, और वो जो पर्दा टांगा गया, वो जो आयरन का कार्टेन लगाया गया, उसमें मोदी जी का फोटो छापा गया, कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में इतना बड़ा घटना हो रहा है। पिछले एक साल में दिल्ली शहर में जो महत्वपूर्ण जगहों में विस्थापन हुए हैं उनमें से एक जगह है मेहरौली। ये मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के सामने है। 700 से ज़्यादा घरों को नोटिस दिया गया, और फरवरी के महीने में मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के आसपास जो झुग्गियाँ थी उनको तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क G20 नेताओं के हेरिटेज वॉक के लिए एक डेस्टिनेशन है। एक शेड्यूल में मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में G20 देश के नेताओं को घूमने ले जाया जाएगा, इसीलिए भारत के गरीब, दिल्ली के गरीब वो दिखे ना वो उजड़ जा, ये व्यवस्था किया गया। तुगलकाबाद फोर्ट के सामने जो एक बहुत बड़ी आबादी पिछले कई सालों से वहां पे बसी हुई है, उनको नोटिस दिया गया, और अप्रैल मई के महीने में
लगभग 25,000 लोगों को तुगलकाबाद से विस्थापित किया गया। तुगलकाबाद फोर्ट और एक हेरिटेज वॉक G20 देशों के नेताओं के लिए एक हेरिटेज वॉक का जगह है, इसीलिए 25,000 लोग विस्थापित हुए। दिल्ली में जो यमुना के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जहाँ पे ऐसे एक सिचुएशन में दिल्ली के गरीब रहने में मजबूर हैं, अगर बाढ़ आए तो सबसे पहले यमुना किनारे के लोग वो प्रभावित होते हैं। यमुना किनारे बेला एस्टेट, मार्च के महीने में बेला एस्टेट में बुलडोजर चली और 3,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। कश्मीरी गेट में मार्च के महीने में बुलडोजर चली और 5,000 लोगों से ज़्यादा विस्थापित हुए। धौलाकुआं में नोटिस दिया गया दिसंबर में कि आप लोगों को यहाँ से निकलना है। आज अगर दिल्ली शहर गरीबों के लिए एक दहशत का शहर बन चुका है, आज अगर दिल्ली शहर 2024 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए सजावट का एक शहर बन चुका है, आज अगर हमारा आपका पैसा सजावट के लिए शहर के एलिट इलाकों के लिए इलाकों के सौंदर्यीकरण के लिए खर्च हो रहा है, तो ये सवाल हमको आपको उठाना पड़ेगा और हमको आपको आने वाले दिनों में ये मांग करना पड़ेगा कि जितने लोगों को विस्थापित किया गया है उनके पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, जितने रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया है उनके कॉम्पेंसेशन का व्यवस्था किया जाए, और ये जो अपमान का दौर, ये जो विस्थापन का दौर देश के मेहनतकशों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए चला है, ये दौर हम नहीं सहेंगे।